सुपर टेट के सभी छात्रों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जितने भी अभ्यर्थियों ने यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम को क्रॉस कर लिया है वो सभी छात्र इस पेपर के लिए एलिजिबल है। वे सभी लोग इस परीक्षा को पास करने के बाद में उत्तर प्रदेश के सहायक अध्यापक बन सकते हैं। बहुत खुशी की बात है कि जूनियर और प्राइमरी दोनों वैकेंसी सन 2020 में आने जा रही हैं। यदि आपने इनकी तैयारी पहले से नहीं की तो ये मौके भी आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको आने वाली सुपर टेट 2020 की परीक्षा की तैयारी बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी पड़ेगी। कई छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग किताबों के माध्यम से भी पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से भी पढ़ते हैं, लेकिन आप क्या पढ़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और अंत में यही होता है कि शायद हम इतनी चीज़ों को और देख लेते तो हम ऐसा कर सकते थे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पढ़ने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा, आपका तैयारी करने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। ईश्वर की कृपा से हम आपको मात्र एक महीने की क्लासें देने जा रहे हैं सुपर टेट की, और उम्मीद है यदि आपने सभी क्लासों को ज्वाइन किया 30 में 30 दिन लगातार, तो मान के चलिए कि आप इस परीक्षा को आसानी से पार कर जाएंगे। इस परीक्षा को पार करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारा सहयोग पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सभी उन छात्रों तक जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ अध्यापक भर्ती परीक्षा के दावेदार बनने वाले हैं, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों को ध्यान दे पाए जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सिलेबस की पढ़ाई करने का अर्थ है उद्देश्यहीन पढ़ाई। पूरे टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, पूरे टॉपिक को। हम हर टॉपिक में चर्चा करेंगे कि सन 2020 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस किस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात अब्दुल कलाम जी ने बोली है, माननीय अब्दुल कलाम जी ने, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल सत्य बात है, यदि हम एक ही गति से लगे रहे और लगातार लगे रहे, परिश्रम में कोई कमी नहीं की, लेकिन परिश्रम भी उचित मार्गदर्शन और उचित दिशा में होना चाहिए, तो हमारी देव क्लासेस के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लगभग सभी पेपर बहुत ही अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए। जितने भी छात्रों ने हमारे यहाँ से निःशुल्क क्लासेस ली हैं, आगे भी हम सभी छात्रों को सहयोग देते रहेंगे। और अब बारी है हमारी सी टेट और सुपर टेट के छात्रों की। तो सी टेट और सुपर टेट में हम इतनी गारंटी देते हैं कि जितने लोग हमारे अनुसार सिलेबस से पढ़ाई कर रहे हैं वो आने वाली परीक्षा में कम से कम 130 प्लस अंक हासिल करेंगे। बस आपको डाइवर्ट नहीं होना है, सभी नोट्स आपको मिलेंगी निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है, ना तो आपको कहीं और देना है, ना तो हमारे यहाँ देना है, ना हम सलाह देंगे कि आप पैसे देकर कहीं पढ़ाई करिए। हमारा उद्देश्य है हमारे इस चैनल के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर और पूरे भारत में निःशुल्क शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, जिसके माध्यम से छात्र हमसे जुड़कर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगर आपको हमारा ये उद्देश्य पसंद आए तो आप भी सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। क्या है उत्तर प्रदेश
बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम एक बार देख लेते हैं। सुपरटेट 2019-2020 के लिए सहायक अध्यापक के लिए किन किन विषयों को आपको तैयार करना है देख सकते हैं। भाषा हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई। अब आप इसमें ये मत कहिएगा कि हमने संस्कृत नहीं ली तो हमें तैयार नहीं करना है। भले ही आपने यूपी टेट या फिर सुपर टेट में संस्कृत ना ली हो, लेकिन आपको इस परीक्षा के लिए ये सारे सब्जेक्ट लेने होंगे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इन सभी टॉपिक पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो था हमारा मात्र सिलेबस को दिखाने का पर्पस था और आपको एक सही मार्ग में लाने का। यदि आपको लगता है कि नहीं, इन सभी विषयों को हम तैयार करने में सक्षम हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप तैयार करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ से जुड़कर आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो आप हमारी सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कुछ ना कुछ हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ये पाठ्यक्रम हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किस टॉपिक से, इस अध्याय से कितनी चीजों को पूछा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक और 12वीं से लेकर सभी कंपटीशन के छात्रों को हमसे जोड़ने का प्रयास करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।